नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। वर्ल्ड कप 2023 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम में एक शानदार मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच का सभी को बेसब्री से इंतजार था क्योंकि सबसे बड़ी कंटेंडर जो भारत के खिलाफ मानी जा रही है वो न्यूजीलैंड की टीम ही है। अब यहाँ पर टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ड्यू फैक्टर को देखते हुए रोहित शर्मा ने निर्णय लिया कि टीम इंडिया पहले गेंदबाजी करेगी और टीम इंडिया की शुरुआत भी ठीक ठाक रही। सबसे पहला विकेट जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उस बारे में इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड के लिए डेविन कॉनवॉय कितने ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज हैं, टीम इंडिया के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं थी। लेकिन डेविन कॉनवॉय का बल्ला नहीं चलने दिया भारतीय गेंदबाजों ने। सबसे पहले उन्होंने एक मेडन ओवर खेला जसप्रीत बुमराह का, उसके बाद जैसे ही मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने के लिए आते हैं तो डेविन कॉनवॉय एक फ्लिक शॉट खेलते हैं। वो फ्लिक शॉट अच्छा था लेकिन रास्ते में, या कहें कि रास्ते से थोड़ी सी दूर मिल गए श्रेयस अय्यर और श्रेयस अय्यर ने डाइव करते हुए इतनी शानदार कैच पकड़ी जिसकी वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। लोग तारीफ कर रहे हैं श्रेयस अय्यर के इस कैच की और कह रहे हैं कि कीवियों के अरमान इस कैच ने तोड़ दिए क्योंकि डेविन कॉनवॉय खतरनाक साबित हो सकते थे। उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया और बिना खाता खोले डेविन कॉनवॉय वापस पवेलियन लौट गए। अब ये विकेट सिराज की थी लेकिन इसमें अहम योगदान निभाया श्रेयस अय्यर ने, जिन्होंने शानदार कैच पकड़ा डेविन कॉनवॉय का। डाइव करते हुए उन्होंने ये कैच पकड़ा और हर कोई श्रेयस अय्यर की तारीफ कर रहा है। इसके बाद बात इस बारे में भी करनी जरूरी है कि रविंद्र जडेजा जो पॉइंट पर खड़े थे उन्होंने एक कैच ड्रॉप कर दिया। रचिन रविंद्र बल्लेबाजी कर रहे थे, मोहम्मद शमी गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने खेला शॉट, पॉइंट पर खड़े थे जडेजा। इतना ज्यादा मुश्किल कैच वो नहीं था लेकिन रविंद्र जडेजा जैसा फील्डर अगर कैच ड्रॉप करता है तो वो सभी के लिए हैरानी वाली बात हो जाती है, लेकिन ऐसा ही हुआ। रचिन रविंद्र का कैच रविंद्र जडेजा ने ड्रॉप कर दिया और वो कैच जो छूटा वो भी सुर्खियों में आ गया क्योंकि जडेजा ऐसी गलतियां अक्सर करते नहीं है। अब यहां पर दोनों ही टीमों ने चार चार मुकाबले जीते हैं। न्यूजीलैंड पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर मौजूद है, टीम इंडिया दूसरे नंबर पर मौजूद है। जो ये मैच जीतेगा वो पहले पायदान पर पहुंच जाएगा और टीम इंडिया इस पायदान पर जाने की पूरी कोशिश करना चाहेगी। बाद में ड्यू भी आ जाएगी, इंडिया चेस कर रही है अंडरलाइट्स, ड्यू के अंदर चेस करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, ये तमाम बल्लेबाज इस टारगेट को चेस कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये मुकाबला जीतने वाली है? इसके अलावा श्रेयस अय्यर के कैच के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।